आंदोलनकारी किसान डटे हैं। दिल्ली की सर्दी के थर्ड डिग्री टॉर्चर में भी मोर्चाबंदी जारी है, लेकिन उनके लिए आज का दिन थोड़ा अलग है। आज सरकार के साथ छठे राउंड की औपचारिक बातचीत होने वाली है। दोपहर के 2:30 बजे 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि विज्ञान भवन में जुटेंगे और सरकार के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन किसान अब भी कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। तीन बिल है, एक बैरिगेट है, ये टूटेगा जब ही दिल्ली और गांव जुड़ेंगे। ये बैरिगेट ही है तो तोड़ना पड़ेगा। सरकार ने लगा रखे, यहाँ देख लो या बिलू में देख लो, सरकार की तरफ से बैरिगेटिंग है। हटाना सरकार को पड़ेगा, दिल्ली जाने का रास्ता सरकार हटाएगी। बातचीत से पहले किसानों ने सरकार को जो चिट्ठी भेजी है उसमें बातचीत को चार बिंदुओं पर फोकस करने के लिए कहा है। वो चार बिंदु हैं: तीनों कृषि कानून वापस करने के तरीके पर चर्चा, MSP को कानूनी रूप देना, कई फसलों पर गारंटी मिलना, NCR में वायु प्रदूषण के मसले पर लाए गए कानून को वापस लेना और बिजली बिलों को लेकर लाए गए नए बिल को वापस लेना। किसानों के प्रस्ताव पर पिछले बुधवार की शाम मंत्रियों के समूह ने माथापच्ची की। अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और सोमपाल ने मीटिंग करके ये किसानों के साथ बैठक की रणनीति तैयार की। सरकार को उम्मीद है कि बातचीत सकारात्मक होगी और अच्छे नतीजे आएंगे। जो वार्ता होगी उसके अंदर एक समाधान तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। उधर किसानों का समर्थन कर रही कांग्रेस ने छठे दौर की बातचीत से पहले एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई। इनकी यही एक ट्रिक है सरकार की कि ये आश्वासन देते हैं, बोलते हैं, वर्बली सब कहते हैं और सरकार के स्तर पर लिख के देने को तैयार है, लेकिन सरकार के लिख के देने को कानून का दर्जा हासिल नहीं होता। इसमें जो टेक्निकल चीज है वो यही है कि ये इस कानून में शामिल करने से बच रहे हैं, क्योंकि कानून में शामिल करने का मतलब कि बिल का हिस्सा उन बातों को बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, जिससे ये बच रहे हैं। बहरहाल आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च प्रस्तावित था, लेकिन उम्मीदों भरी बातचीत को देखते हुए किसानों ने इसे एक दिन के लिए टाल दिया है। आज तक ब्यूरो।